हे गाइस, वेलकम बैक वीआईपी चैनल आरडी। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा उत्तराखंड रेलवे अप्रेंटिसशिप 2021, यानी कि आपकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट एंड अदर्स कंडीशन, एज आपकी और ट्रेड आपका क्या होना चाहिए, ओके, और आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कितनी आपके मार्क्स आने चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा एंड आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है रेलवे से अप्रेंटिस करके। तो इस वीडियो में डिटेल्स में आपको कुछ बताऊंगा मैं, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। प्लीज़ शेयर करना वीडियो को, क्योंकि अप्रेंटिस जो आपकी है 1700 प्लस पोस्ट है यहाँ पर, ओके। तो मैं अगर आप अदर किसी को बता, अपने साथ वालों को बताओगे तो उन्हें जल्दी से जल्दी पता लगे कि रेलवे में अप्रेंटिस फॉर्म आए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, हमारा जो नोटिफिकेशन, यानी कि हमारा जो नोटिफिकेशन आया था, आपकी जो ओपनिंग डेट है, यहाँ पर हम ओपनिंग स्टार्टिंग, यानी कि आपका फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 2/11, यानी कि नवंबर के 2 तारीख से आपकी स्टार्टिंग डेट है। जो क्लोजिंग यानी कि टाइम, जो उसकी लास्ट डेट है, वो 1/12 तक, यानी कि 1 दिसंबर तक आप इसे फिल कर सकते हो। तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि साइड में प्रॉब्लम आती है तो आपका जो है सर्वर में आने के कारण आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते फिर, ओके। अब जो इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, यानी कि डेट में, यानी कि 2 नवंबर को, वो www आपका .rrcpryj.org पे आपका, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉग, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ओके। तो मैं 2 नवंबर, यानी कि 2 या 3 नवंबर आपको वीडियो बना दूंगा आपको कैसे फिल करना है अप्रेंटिस के लिए, ओके। तो ये रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है, ओके। रेलवे से अगर आप आईटीआई करते हो तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, अगर आरआरबी में या आपका आरआरसी में आपकी जो पोस्टें आती हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, तो ओके, तो यहाँ पर जो उसमें पोस्ट होती है टेक्निकल की, तो आपको यहाँ पर 20-25% आरक्षण होता है। जैसे कि आपको पता होगा SC और ST की जो वैकेंसीज होती है वो अलग से होती है, आपको पता है। तो इसमें सेम वही प्रोसेसिंग होती है कि जब आप यहाँ से रेलवे से करते हो तो आपको 20-25% आरक्षण मिलता है, आपकी सीट रिजर्व होती है, ओके। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का है, तो आपको 25% नंबर आप ये लगाइए कि आपका रिजर्व है, यानी कि 75 नंबर से अगर आप 50 या 70-80 भी लेके आते हो, ओके, क्योंकि जनरल वाले को 90 प्लस या 80 तक आपकी मेरिट जाती है, आपको जैसे कि पता होगा। तो यहाँ पर इसका एग्ज़ाम भी होगा, ओके, इसमें कोई मेरिट नहीं बन रही है, ओके। तो यहाँ पर आपको 25% आरक्षण, यानी कि आप 60 से 70 अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपका नंबर यानी कि आने का चांस होता है, ओके। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, ओके, इससे पहले हम बात करते हैं इसमें कितनी पोस्ट है और आपको कैसे क्या करना है आपकी। तो यहाँ पर आपकी, मैं इसमें एज लिमिट आपको बता देता हूँ, एज लिमिट आपकी यहाँ पर है 15 ईयर आपको होना चाहिए, और आपको 24 ईयर तक, 15 से 24 तक यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ओके। स्टार्टिंग लास्ट डेट जैसे कि आपको पता है कि 1/12 यानी कि 1 दिसंबर तक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ओके, अगर आपको तो पता ही है सर्विस मैन यानी कि एक्स, तो इसके सेम कंडीशन होते लगभग फॉर्म में, ओके। मैंने मैं डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देता हूँ। आप करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप बात करते हैं, यहाँ पर आपको SSC मैट्रिक्स, यानी कि आपको 10th या 12th पास होना अनिवार्य है, यानी कि ठीक है 8th पास अगर आप हो तो इस फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको 50 पास, यानी मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए, ओके। अब बात करते हैं आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो NCVT SCVT, ओके, होना चाहिए इश्यूज, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फीटर है, ठीक है, वेल्डर है, आर्मेचर, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि आर्मेचर मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस, ठीक है, वायरमैन की यहाँ पर है पोस्ट है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ भी प्लम्बर, यानी कि हेल्थ इंस्पेक्टर, यानी कि आपके यहाँ पर सारे ही, यहाँ पर आपका क्या है, आपके फॉर्म, यानी कि आपको सारे ही मतलब फॉर्म आप भर सकते हो, अगर आपने 28 से 19 ट्रेड यहाँ पर है, आप किसी से भी आपने अगर किया है तो आप आराम से भर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आई होप आपने इनमें से कुछ किए होंगे, ओके। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, नीचे आते हैं हम कुछ कंडीशन के बेस में, तो गाइज यहाँ पर 100 रुपये, यानी कि आपका नॉन रिफंडल, यानी कि आपको रिफंड नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर 100 रुपये आपकी जनरल वालों की फ़ीस होती है, और यहाँ पर दिख रहा होगा नो फीस फॉर ST PWD, अगर आप PWD या हाँ, तो यहाँ पर अगर आप X यानी कि PWD से है,
ओके यहाँ के अगर आप, मैंने यहाँ नोटिफिकेशन कहीं देखा था, तो अगर आप PWD से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको यहाँ पर 4-5% का आरक्षण यहाँ भी आपको मिलता है और आपकी यहाँ पर फीस नहीं होने चाहिए, नहीं होगी। ओके, अब वुमेन यानी कि गर्ल्स की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आप यहाँ पर जो आपके बॉयज़ यानी कि जनरल वालों के यहाँ पर 100 रुपये, आपको पता ही है काफ़ी अत्याचार हमारे जिस हमारे साथ जैसे हो रहा है समाज में। ओके, तो यहाँ पर अब आते हैं नीचे। कुछ डिटेल्स और मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो आपके ट्रेनिंग पीरियड यानी कि आपका 1 ईयर अप्रेंटिस होता है, आपको जैसे कि पता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप 1 ईयर यानी कि आपका, तो आप अगर आप, मैं इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर दे देता हूँ, अगर आपने अप्रेंटिस करते हो और आप बी से छोड़ते हो तो आप कभी भी अपनी लाइफ में अप्रेंटिस दोबारा नहीं कर सकते हो। ओके, मैं इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो उसे छोड़िए ना, ठीक है, लीव मत कीजिएगा आपको, नहीं तो आप अप्रेंटिस कभी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ओके, साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका नोटिस कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी एंड देयर कलर फोटोग्राफी, यानी कि आपकी जो फोटोज होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर टू, ठीक है, यानी कि इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, जैसे कि आपको बेसिक है, आपने काफ़ी टाइम फॉर्म भरा होगा। ओके, तो मैं गाइज यहाँ पर आपको बता दूँ जो आपकी प्रयागराज यानी कि वहाँ जो वर्कशॉप है यानी कि आपका अप्रेंटिस का यानी कि रेलवे का, तो वहाँ जो टोटल पोस्ट है 364 पोस्ट वहाँ पर है यहाँ, ठीक है, अवेलेबल वहाँ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यानी कि डिपार्टमेंट में हम बात करें तो यहाँ पर आपके 339 पोस्ट है यहाँ पर। और बात करते हैं झांसी की, झांसी डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पर आपकी 480 पोस्ट हैं। ओके, अगर मैं स्टेप बाई स्टेप करूँगा तो आपको जॉब फॉर्म भरोगे तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो यानी कि आपकी RRC में जाके। ओके, जिसकी आपको वेबसाइट मैंने पहले बता दिया है। अब बात करते हैं नीचे आते, ठीक है, वर्कशॉप झांसी। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है, वर्कशॉप झांसी में आपकी जो है 185 है। ओके, बात करते हैं आगरा की, आगरा में आपकी टोटल जो पोस्ट है वो है 296 यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल आपकी पोस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो आपकी है पोस्ट आएंगे स्लॉट्स नोटिफाई ट्रेनिंग के लिए है वो आपके टोटल 1664 यहाँ पर आपकी जो है अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर पद खाली है। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई अपडेट लेके आऊँगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।